ओए होए होए हो यार, आप लोग किसी अदाकार के जब पीछे पड़ जाती हैं या अदाकारा के पीछे पड़ जाती हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा हानी आमिर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी पिक्चर अपलोड की। जैसे ही सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी खूबसूरत पिक्चर्स अपलोड की, उसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन उनके पीछे पड़ गए, उनको तनकीद की जद में ले लिया और सोशल मीडिया पर अब हानी आमिर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, लोगों ने ये कहा, ये जो पिक्चर हानी आमिर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की हैं, ये जेबा हैं, ये बोल्ड पिक्चर हैं। तमाम का डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन सी पिक्चर है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वाकई हानी आमिर का बहुत बड़े फैन हैं तो आपने एक चीज का सबूत देना, आपने अभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने टर्न करके आदमी सब्सक्राइब कर लेना। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं अदाकारा हानी आमिर को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया में फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, आपसे मेरा गिला भी है, हम लोग इतनी मेहनत के साथ आपको वीडियो देती हैं लेकिन आप लोग हमारी वीडियो देखते नहीं है। इंटरटेनमेंट की वीडियो होती है, शोबिज़ न्यूज़ की वीडियो होती है, आप स्किप कर जाते हैं, ऐसा मत किया करें क्योंकि वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, अदाकारा हानी आमिर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उनके ड्रामे बहुत ज्यादा वायरल होते हैं और जैसा कि आप जानती हैं अदाकारा हानी आमिर का आजकल एक ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस ड्रामे का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन उनका जो वो ड्रामा है वो फहद मुस्तफा के साथ है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूं, हानी आमिर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स अपलोड की, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया सार्फिन उनके पीछे पड़ गए और दिलचस्प तबसरे सुनने को मिले। कुछ लोगों ने यह कहा कि हमारी जो अदाकाराएं हैं जब बाहर जाती हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा या किसी ऐसे मुल्क में जाती हैं, तो ये अपना लिबास क्यों भूल जाती हैं। प्यारे नाज़रीन किराम, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अदाकाराएं जब बाहर जाती हैं तो अपना बोल्ड लिबास ये पहनना शुरू कर देती हैं। नाज़रीन किराम, लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये अदाकाराएं ये समझती हैं कि बाहर जाने से बोल्ड लिबास पहनकर इज्जत में ज़्यादा इजाफा होता है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी हैं और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में जाकर ये मगरब का कल्चर इस्तेमाल करती हैं और अपने फैन फॉलोइंग को जो है वो आबदीदा कर देती हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हानी आमिर बहुत प्यारी हैं, इनके डिंपल बहुत प्यारे हैं और हानी आमिर जो भी ड्रेस पहनती हैं बहुत खूबसूरत इन पे लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने चुटकुले तबसरे भी शेयर किए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हानी आमिर और बादशाह, मतलब कि बॉलीवुड के जो सिंगर बादशाह रैपर हैं, इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हानी आमिर को बादशाह के साथ शादी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन किराम, जिस पर हानी आमिर ने कोई रिप्लाई तो उस मदाह का नहीं किया, लेकिन हानी आमिर ने शायद वो कमेंट जरूर पढ़ा होगा। बाकी आप हानी आमिर के इस बोल्ड लिबास के बारे में क्या कहना चाहती हैं? नाज़रीन किराम, बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारी जो अदाकाराएं हैं जब बाहर के मुल्कों में जाती हैं तो अपना लिबास भूल जाती हैं कि पाकिस्तान में तो इन्होंने सर पे दुपट्टा लिया होता है, लेकिन बाहर जाके इनके सर से दुपट्टा क्यों उतर जाता है, आपने ये भी लाजमी बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस तक अपने दोस्त बिलावल हुसैन खान को इजाजत दें। जज़ाकअल्लाह।